दोस्तों, पेन जिसकी भूमिका हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और इसी पेन के जरिए बड़ी बड़ी कठिनाइयों को भी पार किया जा सकता है। आज के समय में लोग 10 रुपए से लेकर जाने कितने महंगे महंगे पेनों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है या आपके जहन में ऐसा सवाल आया है कि आखिर पेन को कैसे बनाया जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि पेन को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं आज पेन की फैक्ट्री की तरफ, जहां पर आपको पता चलेगा कि फैक्ट्री में पेन को कैसे बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पेन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप आउटर बॉडी मेकिंग, दूसरा स्टेप इनर बॉडी मेकिंग और तीसरा स्टेप होता है असेंबल करना, जिसमें कि सभी चीजों को अच्छे से असेंबल किया जाता है। तो अगर हम सबसे पहले स्टेप की बात करें तो उसमें आउटर बॉडी मेकिंग प्रोसेस किया जाता है, जिसमें कि पेन के बाहर वाले स्ट्रक्चर को अच्छे से तैयार किया जाता है। आउटर बॉडी को बनाने के लिए रॉ मटेरियल में हमें पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीमर यानी कि पीसीपी की जरूरत पड़ती है। इस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल सभी तरह के पेन्स में किया जाता है। जब पॉलीप्रोपिलीन को पॉलीमर को फैक्ट्री में लाया जाता है, तब सभी वर्कर्स इस रॉ मटेरियल को एक बड़े से मिक्सर में डालते हैं। साथ ही इस मिक्सर में उस पॉलीमर को भी डाल दिया जाता है जिस कलर का आपको पेन चाहिए होता है, यानी कि पेन के बाहर का स्ट्रक्चर वाले पार्ट का कलर। सभी रॉ मटेरियल्स को मिक्सर में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे एक बड़े से हॉपर यानी कि फैक्ट्री में लगी एक तरह की इंजेक्शन में डाला जाता है और उस मशीन में एक वैक्यूम लगा रहता है, जिसकी मदद से ये सारा रॉ मटेरियल एक बड़ी सी गर्म भट्टी में ले जाया जाता है, जहाँ पर ये सारा रॉ मटेरियल पिघल जाता है। पिघलने के बाद ये सारा रॉ मटेरियल मशीन की मदद से मोल्डिंग मशीन में जाता है, जहां अंदर उस पिघले हुए पदार्थ को पेन के स्ट्रक्चर का शेप दिया जाता है। ये तो हमारे पेन का स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसमें हम लोग अपनी रिफिल डालते हैं और इसी प्रक्रिया की तरह हम यहाँ पर अपनी रिफिल को भी तैयार करते हैं। साथ ही पेन पर लगने वाले कैप को भी इसी फैक्ट्री में इसी प्रक्रिया के थ्रू तैयार किया जाता है, सिर्फ सभी की मोल्डिंग मशीन चेंज होती है। तो दोस्तों, ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब बात करते हैं दूसरे स्टेप इनर पार्ट मेकिंग की। दूसरे स्टेप में सबसे पहले हम बात करेंगे इंक की। इंक को तैयार करने के लिए हमें नेचुरल वैक्स की जरूरत पड़ती है, साथ ही वार्निश जो कि दिखने में बिल्कुल शहद की तरह होता है। वैसे आपको बता दें कि वार्निश एक ऐसा पदार्थ होता है जो लकड़ी तथा अन्य कुछ पदार्थों के ऊपर लगाई जाती है, जिससे कि उनकी सुरक्षा हो और वो सुंदर दिखें। और इसी वार्निश का इस्तेमाल इंक बनाने के लिए भी किया जाता है और इंक को बनाने के लिए कोबाल्ट का भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप जिस कलर की इंक बनाना चाहते हैं उसमें उस कलर का पिगमेंट भी डालना पड़ेगा। जब इन सभी चीजों को एक तरफ इकट्ठा कर लिया जाता है, तब बारी आती है बड़े से कंटेनर में इन सभी को क्वांटिटी के अकॉर्डिंग डालकर अच्छे से मिक्स करने की। हमारी रिफिल में भरने वाली स्याही तो अब बनकर तैयार हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है पेन के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की। जी हाँ दोस्तों, पेन के सबसे निचले वाले हिस्से का, जहाँ पर एक छोटी सी बॉल लगी होती है जिसकी मदद से हम पूरे पन्ने पर अक्षरों को लिख पाते हैं। ये भी पेन के इनर वाले पार्ट में ही आता है। इसे बनाने के लिए स्टील के पतले वायर्स को बॉल हैंडिंग मशीन में डाला जाता है और उस मशीन में इन पतले पतले वायर्स को छोटे छोटे शेप में काट कर मशीन के बीच में रखकर प्रेस कर दिया जाता है, जिसकी मदद से वो छोटा वायर एक बॉल में तब्दील हो जाता है। यानी कि उस मशीन में बॉल की शेप की मोल्डिंग मशीन होती है, जिसमें वो छोटा तार जाता है और मशीन के दबाव की वजह से वो एक बॉल में बदल जाता है। बॉल का शेप देने के बाद सभी छोटे छोटे बॉल्स को वर्कर्स के द्वारा अच्छे से पॉलिश किया जाता है। इसे बनाने के बाद बारी आती है निब्स की, जिसमें ये छोटी छोटी बॉल्स फिट करी जाती हैं। इन निब्स को बनाने के लिए खोखले मेटल ट्यूब्स को लिया जाता है और फिर उसे फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स के द्वारा मशीन से पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद कटर मशीन की मदद से उन्हें साइज के हिसाब से काट लिया जाता है। कट करने के बाद इन मेटल ट्यूब्स को निब्स का शेप दिया जाता है। जब निब्स बनकर तैयार हो जाती है, तब उन छोटी बॉल्स को निब्स में अटैच किया जाता है, जहां पर ऑटोमेटिक मशीन के जरिए बॉल्स को निब्स में अटैच करते हैं और अब ये निब्स पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पेन का इनर और आउटर स्ट्रक्चर पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब बारी आती है इन बिखरे हुए सामानों को असेंबल करने की, जिसकी मदद से हमारा पेन पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। असेंबल करने के लिए सबसे पहले सभी चीजों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से एक तरफ लाया जाता है। असेंबल करने से पहले तैयार करी गई इंक को एक मशीन में भरा जाता है, जहां पर इनर पार्ट में तैयार की जाने वाली रिफिल्स में इंक को अच्छे से भरा जाता है। इंक को रिफिल में भरने के बाद तैयार करी गई निब्स को मशीन की सहायता से लगाया जाता है।
वैसे दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि आपका पेन कभी कदार स्याही को बाहर छोड़ देता है, जिसकी वजह से आपका पेन जहाँ रखा होता है ना, वो जगह पूरी तरीके से गंदी हो जाती है। वैसे आपने भी देखा होगा कि कई लोग पेन अपनी जेब में रखे होते हैं और इंक बाहर गिरने की वजह से शर्ट पूरी तरह से खराब हो जाती है। और आपका शर्ट खराब ना हो, यानी रिफिल से इंक बाहर ना निकले, इसके लिए रिफिल में इंक भरने के बाद उसके पीछे सिलिकॉन जेली भरी जाती है। और आप सभी ने सिलिकॉन जेली को अपने अपने रिफिल्स में देखा भी होगा। दोस्तों, अब हमारी रिफिल तो पूरी तरह तैयार हो गई है और एक तरफ पेन का आउटर बॉडी भी तैयार हो चुका है। अब बारी आती है रिफिल को आउटर बॉडी में डालने की। इसके लिए रिफिल को और आउटर बॉडी को ऑटोमेटिक मशीन में फिट कर दिया जाता है, जहां पर मशीन रिफिल को आउटर बॉडी वाले पार्ट में बहुत ही अच्छे से फिल करती है और उसके बाद पेन के पीछे वाले हिस्से में कैप लगा दिया जाता है। तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि हमारा पेन पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। वैसे दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अगर आप नीला, पीला, काला पेन चाहते हैं तो उसके लिए सिर्फ यहाँ पर रॉ मटेरियल में उस कलर का पॉलीमर ऐड करना होता है और इंक तैयार करने के लिए सभी चीजों के साथ साथ उसमें जिस कलर का आप पेन चाहते हैं उस कलर का पिगमेंट ऐड करना पड़ता है। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि फैक्ट्री में पेन कैसे तैयार किया जाता है। सभी चीजों को असेंबल करने के बाद बारी आती है पैकेजिंग की। इस प्रक्रिया के लिए जब सभी पेन्स बनकर तैयार हो जाते हैं तो वर्कर्स के द्वारा सभी पेन को एक बार चेक करते हैं कि कहीं पेन का बाहर वाला स्ट्रक्चर टूट तो नहीं गया है। हर चीज को चेक करने के बाद पैकिंग करने के लिए तैयार करी गई पन्नी में सभी पेन्स को अच्छे से पैक कर दिया जाता है और फिर सभी पेनों को एक बड़े से गत्ते में रखकर छोटी से लेकर बड़ी बड़ी दुकानों तक पहुँचा दिया जाता है, जिसके बाद आप इस कलम का इस्तेमाल करते हैं। वैसे दोस्तों, फैक्ट्री मेकिंग प्रोसेस तो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम थोड़ा नजर पेन के इतिहास पर डालते हैं। दोस्तों, कलम का सफर बहुत ही लंबा है। पेन की सहायता से न सिर्फ शब्दों को स्वरूप दिया जाता है बल्कि अपनी कल्पना और विचारों का उल्लेख भी किया जा सकता है। ये मनुष्य को शिक्षित बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती है और दुनिया में सबसे पहले कलम का आविष्कार मेसोपोटामिया अर्थात वर्तमान इराक के निवासियों ने आज से करीब 5000 वर्ष पूर्व किया था। वहीं भारत में इसका श्रेय हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के 4 से 5000 वर्ष पूर्व के निवासियों को दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की ये फैक्ट्री मेकिंग वीडियो आप सभी को कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल में लगे उस बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मिलते हैं ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।